हेलो फ्रेंड्स, आपका निरंकारी वीडियो चैनल में स्वागत है। हाँ भैयो, हाँ भैयो, इस वीडियो चैनल में हम लोग लघु युग्मक जनन की प्रक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हेडिंग है लघु युग्मक जनन, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। पराग नलिका एवं नर युग्मकों युक्त अंकुरित पराग कण को नर युग्म उद्भिद कहा जाता है। पराग नलिका एवं नर युग्म के युक्त अंकुरित पराग कण को नर युग्म उद्भिद कहा जाता है। नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन दो चरणों में पूरा होता है। प्रथम चरण स्टेप नंबर वन, यह चरण परागण के पहले ही संपन्न होता है। यह चरण परागण के पहले ही संपन्न होता है। यह चरण पराग कोष से निकलने से पहले पूरा हो जाता है। इस चरण में पराग कोष में ही क्या करता है, वृद्धि करता है। इस चरण में परागकण में समसूत्री विभाजन के द्वारा दो कोशिकाओं में बट जाता है। इसमें से एक बड़ी कोशिका कायिक कोशिका कहलाती है। कायिक
कोशिका कहलाती है और छोटी कोशिका जनन कोशिका कहलाती है। नंबर एक कायिक कोशिका, वेजिटेटिव सेल, आकार बड़ा होता है, कायिक कोशिका से पराग नलिका पोलन ट्यूब का विकास होता है। दूसरी कोशिका होती है जनन कोशिका, जनन कोशिका रिप्रोडक्टिव सेल, द्वितीय चरण यह चरण परागण के बाद संपन्न होता है। इस चरण के अंदर कायिक कोशिका की भित्ति जनन छिद्र से निकलकर पराग नलिका का निर्माण करती है। पराग कण के अंकुरण से बनी पराग नलिका युक्त रचना जिसमें दो नर युग्मक होते हैं, नर युग्मक उद्भिद कहलाती है। अब हमें देखना है
जायांग पुष्प का मादा जनन अंग, जायांग या पुष्प का मादा जनन अंग। स्त्री केसर या जायांग, केसर या जायांग बीजांड तथा भ्रूण कोश से मिलकर के बना होता है। बीजांड तथा भ्रूण कोश से मिलकर बनना होता है। प्रत्येक अंडक में तीन भाग दिखाई देते हैं। नंबर एक वर्तिकाग्र अंडाशय तथा वर्तिका। ठीक है, से समझेंगे। ये इसका वर्तिकाग्र है। स्टिग्मा नलिका युक्त रचना वर्तिका या स्टाइल कहलाती है। और ये है अंडाशय या ओवरी, इसके अंदर बीजांड। ये आपका प्रति मुखी कोशिकाएं या एंटी पोडल सेल, बीच में ध्रुवीय कोशिका, नीचे की तरफ बीच में अंड कोशिका या एक्सेल, और किनारे की तरफ ये आपकी सहायक कोशिका या साइनर सेल। ये आपकी बीजांड की रचना है। तो हम